पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, या फिर इसके कुछ अदर नेम्स भी है जिसका नाम है डिसप्लास्टिक हिप या कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर पर आज पढ़ेंगे कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद इसकी इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसका डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल फीचर्स एंड इसके ट्रीटमेंट। तो ये पूरा अपन एक वीडियो के अंदर नहीं पढ़ेंगे, इसके अपन दो वीडियो बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो के अंदर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो उसके जो ट्रीटमेंट्स है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, इसके इंट्रोडक्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप है वो अपन को किस टाइम देखने को मिलता है। तो इसको अपन शॉर्ट में यहाँ पर कह सकते हैं CDH, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप को अपन शॉर्ट में CDH कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ द हिप अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो CDH है वो अपन को कब देखने को मिलता है। तो CDH जो है वो अपन को बर्थ से पहले, या फिर ड्यूरिंग बर्थ, या फिर उसके तुरंत बाद अपन को देखने को मिल सकता है हिप का स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन। ओके, इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कंजेनाइटल डिसऑर्डर, इन इज अनकॉमन इन इंडिया एंड सम अदर एशियन कंट्रीज, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ मदर कैरिंग द चाइल्ड ऑन द साइड ऑफ द हर विस्ट विद द हिप ऑफ द चाइल्ड अपडेटेड। तो यहाँ पर ये बताया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर अपन को CDH के केसेस अपन को ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और जो इंडियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर अपन को ये कम देखने को मिलते हैं। मतलब ये यहाँ पर तो इंडियन और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये अनकॉमन है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर अपन को कॉमनेस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ तो ये ऐसा क्यों है, इसका रीज़न भी यहाँ पे बताया हुआ है, बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ मदर कैरिंग द चाइल्ड ऑन द साइड ऑफ विस्ट विद द हिप ऑफ द चाइल्ड अपडक्टेड। तो यहाँ पर इसका कारण ये है कि जो मदर्स है वो अपने चाइल्ड को वेस्ट पर बिठाती हैं, मतलब वो अपनी कमर पर बच्चे को बिठाती है, तो इस पोजिशन में जो चाइल्ड का जो हिप है वो अपडक्टेड रहता है। तो अपन इसको इसके डायग्राम से देख समझ सकते हैं, अपन ने इसको डायग्राम से बनाया हुआ है। एक मदर है जिसने अपने बच्चे को अपनी कमर में बिठाया हुआ है, और उसके जो एक लेग तो आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है। तो इस तरह से क्या होता है ना, जो चाइल्ड का जो हिप है वो अबडक्टेड रहता है। उसके बाद यहाँ पर और बताया है दिस पोजिशन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द अनस्टेबल हिप विद अदरवाइज वुड हैव डिसलोकेटेड। तो यहाँ पर यह है कि ये पोजिशन जो है वो अनस्टेबल हिप को रिडक्शन करने में हेल्प करती है, मतलब जिससे जो अनस्टेबल हिप जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इस पोजिशन में। फिर उसके बाद यहाँ पे है द जनरल टर्म डिसप्लास्टिक हिप इज समटाइम यूज फॉर द कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द हिप। हिप के कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन के लिए कभी कभी डिसप्लास्टिक हिप टर्म का भी यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो इस डिजीज़ के तीन नाम है, एक तो है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, डिसप्लास्टिक हिप एंड कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। अपन ने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि CDH क्या होता है। उसके बाद आता है इसके इंट्रोडक्शन के बाद इसकी इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, इटियोलॉजी इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड बट द फॉलोइंग फैक्टर्स अपीयर टू बी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे इटियोलॉजी के बारे में ये बताया गया है कि जो इसकी इटियोलॉजी है वो अच्छी तरह से समझी नहीं गई है, लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जिससे कि यहाँ पर CDH हो सकता है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर तीन फैक्टर्स है, एक तो है हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू जॉइंट लेजिटी, सेकेंड है हार्मोन इंड्यूस्ड जॉइंट लेजिटी, उसके बाद है बीच मालपोजिशन। ओके, तो इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू जॉइंट लेजिटी के अंदर हेरिडिटरी रिलेटेड जॉइंट लेग्स जॉइंट आर प्रीडिस्पोज्ड टू हिप डिसलोकेशन इन सम पोजिशन। तो लेग्स जॉइंट का मतलब क्या होता है, जो लेग्स जॉइंट का मतलब होता है जो वो जॉइंट ढीले पड़ चुके हो, लूज हो गए हो, उन जॉइंट के बारे में। और बात हो रही है यहाँ पे हेरिडिटरी से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो हेरिडिटरी से रिलेटेड लेग्स जॉइंट होते हैं ना, वो कुछ पोजिशन में हिप का जो है वो डिसलोकेशन करवाते हैं, ठीक है। तो जिस कारण से यहाँ पे CDH होता है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू जॉइंट लेजिटी, उसके बाद है हार्मोन इंड्यूस्ड जॉइंट लेजिटी। तो हार्मोन इंड्यूस्ड जॉइंट लेजिटी को समझने से पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि मेटरनल रिलैक्सिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं जो कि लिगामेंट वगैरह को लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अपन
तो मेटरनल रिलैक्सिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर है अ लिगामेंट रिलैक्सिंग हार्मोन इन द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो लिगामेंट है उनको वो रिलैक्स कर देते हैं, जिस कारण से वहाँ पर डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं हार्मोन इंड्यूस जॉइंट लेजिटी के अंदर CDH इज 3 to 5 times मोर कॉमन इन फीमेल्स, जो CDH के जो केस है वो 3 to 5 times ज़्यादा बढ़ जाते हैं फीमेल्स फीमेल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट डेट द मेटरनल रिलैक्सिंग अक्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर टू एंटर द फीटस, जिसका मतलब अपन ने यहाँ पे समझ लिया मेटरनल रिलैक्सिंग क्या होता है, अ लिगामेंट रिलैक्सिंग हार्मोन इन द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसको अपन पूरा समझते हैं कि जो CDH हो रहा है बॉडी में वो क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है वो कि जो यहाँ पर मेटरनल रिलैक्सिंग जो फीटस है फीटस में अगर एंटर कर जाता है, मेटरनल रिलैक्सिंग जो हार्मोन है अगर वो फीटस के अंदर एंटर कर जाता है तो वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है, जिस कारण से यहाँ पर हमको CDH हो सकता है। इफ़ द हार्मोन एनवायरनमेंट ऑफ द फीटस इज अ फीमेल, रिलैक्सिंग एक्ट्स ऑन द फीटस जॉइंट इन द सेम वे एज इट डज ऑन दस ऑफ द मदर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर मान लो अगर फीटस का जो हार्मोनल इन्वायरमेंट है वो एक फीमेल है, ठीक है, वो एक फीमेल है तो रिलैक्सिंग फीटस है, रिलैक्सिंग जो हार्मोन के अपन बात कर रहे थे तो वो फीटस के जॉइंट पर उसी तरह से वर्क करेगा जैसे वो मदर्स के जॉइंट पर कर रहा था, ठीक है, तो वो सेम वर्क करेगा इन दोनों जगह पर, जिस कारण से CDH होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दिस प्रोड्यूस जॉइंट लेजिटी एंड दस डिसलोकेशन, तो इस तरह से जॉइंट लेजिटी है वो प्रोड्यूस होती है और डिसलोकेशन हो जाता है, मतलब CDH वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है बीच माल पोजिशन की, ठीक है, तो बीच माल पोजिशन क्या होता है, बीच माल पोजिशन का मतलब होता है कि जो बेबी होता है वो जब फीटस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबी का जो हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन बीच पोजीशन के अंदर क्या होता है जो हेड होता है वो ऊपर चला जाता है और पैर वगैरह नीचे आ जाता है, ये फीमेल है, ये इस तरह से मान लो फीमेल है तो हेड ऊपर रह गया, लेकिन ये तो अब नॉर्मल है, नॉर्मल तो क्या होता है ना हेड नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, तो ये तो होती है वर्टेक्स पोजीशन और ये होती है बीच प्रेजेंटेशन, ये होती है वर्टेक्स पोजीशन का मतलब क्या है, जो नॉर्मल में हेड नीचे रहता है और ब्रीच वेजिटेशन का मतलब है जो हेड है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन समझते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, द इंड्यूस ऑफ एन अनस्टेबल हिप इज अबाउट 10 times मोर इन न्यूबॉर्न सो विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन देन दस विज विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि अगर मान लो कोई बेबी जो है वो बीच पोजिशन के अंदर है और वर्टेक्स के अंदर नहीं है, अगर वो बीच के अंदर होगा बीच पोजिशन के अंदर तो उसके अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे कि उसको CDH हो, 10 times मोर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो न्यूबॉर्न है उसको यहाँ पर अनस्टेबल हिप हो जाएगा उसका, यहाँ पर वर्टेक्स से तुलना करके बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इट इज पॉसिबल डेट द बीच प्रेजेंटेशन द फीटल लेग आर प्रेस्ड इनसाइड द यूट्रस इन सच अ वे डेट इफ द हिप लिगामेंट आर लेग्स डिसलोकेशन में अकर। तो यहाँ पर यह बताया हुआ है कि ये पॉसिबल है कि जो बीच प्रेजेंटेशन में फीटस के जो लेग है वो यूट्रस के अंदर इस तरह से होते हैं कि वो हिप के लिगामेंट लेग्स हो जाते हैं और डिसलोकेशन ऑफ हिप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 3 factors देख लिए जिस कारण से CDH हो रहा था, एक तो है हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू जॉइंट लेजिटी, उसके बाद हार्मोन इंड्यूस जॉइंट लेजिटी, उसके बाद बीच माल पोजिशन। अपन ने पढ़ा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन CDH का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसकी एटियोलॉजी, उसके बाद इसकी पैथोलॉजी, ठीक है। तो पैथोलॉजी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट एविडेंस, इसके जो प्रेजेंट एविडेंस है वो बताती है कि डिसप्लास्टिक जो हिप है उसके यहाँ पे 2 types होते हैं, कौन कौन से 2 types होते हैं, एक तो है डिसलोकेटेड एट बर्थ और डिसलोकेटेड आफ्टर बर्थ। अपन ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था इस टॉपिक के कि जो CDH है वो बर्थ से पहले हो सकता है, बर्थ के बाद हो सकता है और ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसी टाइप से यहाँ पे बताया है कि डिसलोकेटेड एट बर्थ एंड डिसलोकेटेबल आफ्टर
बर्थ, तो इसको जो डिसलोकेटेड एट बर्थ है इसको यहाँ पर बोला है क्लासिक सीडीएच। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस तरह से हो सकता है। द फर्स्ट हेल प्राइमरी ड्यू टू अ हेरिडिटरी फॉल्टी डेवलपमेंट ऑफ द एसिटाबुलम एंड आर डिफिकल्टी टू ट्रीट। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द सेकेंड आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग जॉइंट लेजिटी विद द प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स कॉजिंग द डिसलोकेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर ये बताया है कि जो फर्स्ट प्राइमरी है ये एसिटाबुलम के हेरिडेटरी फॉल्टी फॉल्ट के डेवलपमेंट के कारण होता है, मतलब जो एसिटाबुलम है वहाँ पर कुछ हेरिडेटरी फॉल्ट हो गया है जिस कारण से यहाँ पे सीडीएच हुआ है और इसको ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और सेकेंड यहाँ पर आता है वो होता है किसी अंडरलाइनिंग जॉइंट लेजिटी के कारण, जिसमें एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर फैक्टर डिसलोकेशन का कॉज बनता है। ठीक है, तो एक तो हो गया हेरिडेटरी से रिलेटेड कि एसिटाबुलम में कोई हेरिडेटरी फॉल्ट आ गया है, या फिर दूसरा है जो वो है जॉइंट लेजिटी के कारण, जो कि अपन आगे डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है फॉलोइंग चेंजेस आर सीन इन द डिसलोकेटेड हिप। जो डिसलोकेटेड हिप है वहाँ पे कुछ फॉलोइंग चेंजेस अपन को देखने को मिले हैं, वो कौन कौन से देखने को मिले हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इसका यहाँ पर अपन ने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है जिससे अपन समझते जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आता है फीमोरल हेड इज डिसलोकेटेड अपवर्ड एंड लेटरली, इट्स एपिफाइसिस इज स्मॉल एंड ओसिफाइज लेटर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो फीमोरल जो हेड है वो डिसलोकेट हो जाता है अपवर्ड एंड लेटरली। ये एक हेड है, फीमोरल हेड है जो कि डिसलोकेट हो चुका है अपवर्ड एंड लेटरल साइड, और यहाँ पर एपिफाइसिस हो जाता है स्मॉल एंड ओसिफाइस हो जाता है लेट स्टेज के अंदर। उसके बाद यहाँ पर है फीमोरल नेक इज एक्सेसिवली इंटीवर्टेड। ठीक है, तो इसकी जो फीमोरल नेक जो होती है वो ज़्यादा एंटीवर्टेड हो जाती है। उसके बाद है एसिटाबुलम इज स्लो सेलो, जो एसिटाबुलम होता है वो सेलो हो जाता है विथ अ स्टीप स्लोपिंग रूफ, इसकी तरह की उसकी अपेरेंस हो जाती है। उसके बाद है लिगामेंटम टेरिस इज हाइपरट्रोफाइड, जो यहाँ पर लिगामेंटम टेरिस होता है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पर फाइब्रोकार्टिलेजिनियस लेब्रम ऑफ द एसिटाबुलम, जिसको यहाँ पर लिम्बस कहा है, मे बी फोल्डेड इनटू द कैविटी ऑफ द एसिटाबुलम, जिसको यहाँ पे इन्वर्टेड लिम्बस कहा गया है। यहाँ पे इन्वर्टेड लिम्बस बताया हुआ है और फाइब्रोफेटेड टिश्यूज बताया हुआ है, जिस तरह से अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर फाइब्रोकार्टिलेजिनियस लेब्रम ऑफ द एसिटाबुलम है, लिम्बस है ये इस तरह का, एंड फोल्डेड इनटू द कैविटी ऑफ द एसिटाबुलम। ठीक है, ये अपन को इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आता है कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट इज स्ट्रेच्ड, जो कैप्सूल होता है हिप जॉइंट का वो स्ट्रेच्ड हो जाता है। उसके बाद मसल्स अराउंड द हिप, जो भी मसल्स होती है हिप के आसपास, स्पेशली द अबडक्टर अंडरगो अडेप्टिव शॉर्टनिंग, जो उसकी जो अब मसल्स होती है जैसे कि स्पेशली कौन सी है अबडक्टर, उनकी यहाँ पर शॉर्टनिंग हो जाती है, ये अपन को देखने को मिलता है जो सीडीएच है उस वाले जॉइंट के आसपास। ये डायग्राम अपन याद रखेंगे जिससे भी अपन को याद रहेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर फाइब्रोफेटी टिश्यूज आ गए हैं, यहाँ पर लिम्बस बन चुका है, ये इलोंगेट कैप्सूल्स है, ये फीमर है, फीमर का हेड है, ये नेक है। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे इसका डायग्नोसिस। अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इटियोलॉजी पढ़ा, पैथोलॉजी पढ़ा, अब आएगा इसका डायग्नोसिस। अपन इसका डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं, फिर उसके बाद आएंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो डायग्नोसिस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्नोसिस इज इजी इन अ ओल्डर चाइल्ड बट मे बी वेरी डिफिकल्ट इन यंगर चिल्ड्रन, स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेंसी। दिस इज बिकॉज ऑफ सबटाइल क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड डिफिकल्टीज इन इंटरप्रेटिंग एक्सरे ऑफ दिस चिल्ड्रन। तो यहाँ पर इसके डायग्नोसिस के अंदर ये लिखा है कि यहाँ पर जो ओल्डर चाइल्ड्स होते हैं तो उसके अंदर जो डायग्नोसिस है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अंदर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और स्पेशली जब वो ज़्यादा ही छोटे होते हैं जैसे कि इन्फेंसी के टाइम, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसका डायग्नोसिस करना। ठीक है, मतलब जैसे कितनी जितनी कम एज रहेगी उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको डायग्नोसिस करना, और ये सब टेल क्लिनिकल फाइंडिंग और इन चिल्ड्रंस के एक्सरे की इंटरप्रेटिंग करने में डिफ़िकल्टी के कारण होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सबटल क्लिनिकल फाइंडिंग्स है और जो एक्सरे है चिल्ड्रंस के वो इंटरप्रेटिंग करने में डिफ़िकल्टी के कारण होता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में लिखा हुआ है सी डी एच इज मोर कॉमन इन फर्स्ट बोर्न बेबी, जो सी डी एच है वो ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है जो फर्स्ट बोर्न बेबी होता है उसके अंदर, और ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है लेफ्ट साइड।
मोर ऑन द लेफ्ट, और उसके बाद लिखा हुआ है मोर कॉमन इन फीमेल्स, और फीमेल्स का अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर रेसो भी बताया हुआ है मेल रेसो और फीमेल्स का 1:5। उसके बाद यहाँ पर CTH में भी डिटेक्टेड एट बर्थ और सुन आफ्टर सम टाइम नॉट नोटिस अंटिल द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो CDH का जो केस है उसका पता अपन बर्थ के टाइम या फिर उसके तुरंत बाद अपन उसका पता लगा सकते हैं। कभी कभी ये पता नहीं लगा जा सकता कि चाइल्ड वॉकिंग करना स्टार्ट ना कर दें, तब तक अपन उसको पता नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइल्ड जब चाइल्ड चलना लगता है तो अपन उस पर ध्यान देते हैं कि इसका जो गेट है वो थोड़ा अलग गेट हो रहा है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है नॉर्मल पर्सन की तरह या फिर नॉर्मल चिल्ड्रंस की तरह। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द साइलेंट क्लिनिकल फीचर्स एट डिफरेंट एज। तो यहाँ पे डिफरेंट एज में फॉलोइंग फीचर्स है जो कि अपन को देखने को मिलते हैं। एक तो है एट बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम अपन को क्या होगा, रूटीन एक्सरे स्क्रीनिंग ऑफ ऑल न्यू बॉर्न इज नेसेसरी। जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना उसका रूटीन स्क्रीनिंग अपन को करवानी चाहिए, जिससे अपन को पता लग सकता है कि उसको CDH है या फिर नहीं है। द एग्जामिनिंग प्रीडायरेक्शन में नोटिस साइन सजेस्टिव ऑफ डिसलोकेटेड और डिसलोकेटेबल हिप। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अपन ने जब न्यूबॉर्न बेबी हुआ तो अपन स्क्रीनिंग करवा ली, से अपन को पता लग गया कि CDH है। उसके बाद इसका अपन एग्जामिन करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे डिसलोकेट हिप है या फिर डिसलोकेटेबल हिप है या नहीं है, ये नोटिस करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है अर्ली चाइल्डहुड के टाइम अपन किस तरह से पता लगा सकते हैं। सम टाइम ऑल चाइल्ड इज ब्रॉट बिकॉज द पेशेंट हैव नोटिस एनी एसिमेट्री ऑफ क्रीज ऑन ऑफ द ग्रोइन लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड हेड। तो अर्ली चाइल्डहुड में पता कैसे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चे के, वो ये नोटिस करते हैं कि जो अपना बच्चा है वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, जो अफेक्टेड हिप है वहाँ के मूवमेंट के है उसके अंदर लिमिटेशंस आ गई है, और जो ग्रोइन एरिया है वहाँ पर क्रीज देखने को मिली है, एसिमेट्रिकल क्रीज अपन को मतलब बच्चों के अंदर देखने को मिली है उनको पेरेंट्स के द्वारा। तो ऐसे देखने पर वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और इस तरह से उनको CDH का पता लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और है ओल्डर चिल्ड्रन। अब ओल्डर चिल्ड्रन से उनके अंदर को किस तरह से पता लगेगा, CDH में बिकम अपेरेंट वंस द चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग, पेरेंट्स नोटिस डेट द चाइल्ड वॉक्स विथ अ पेरिकुलेट गेट थ्रू देयर इज नो पेन। तो यहाँ पे ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर क्या होता है ना, जो चाइल्ड है जब वो वॉकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे वो वॉक करते हैं तो उस टाइम अपन को CDH का पता लगता है कि जो उसका हिप है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चे के अंदर नोटिस करते हैं कि उसका जो गेट पैटर्न है वो थोड़ा अजीब सा है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है। तो इस तरह से ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर CDH का पता लगता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है द मेटिकुलस एग्जामिनेशन इज़ द की टू द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ CDH। तो एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक सावधानी पूर्वक या सही तरीके से किया गया एग्जामिनेशन CDH के शुरुआती डायग्नोसिस की एक की है, मतलब जितना जल्दी अपन डायग्नोसिस कर लेंगे उतना अच्छा अपने लिए रहेगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है देयर में बी लिमिटेशन ऑफ हिप अबडक्शन, जो हिप अबडक्शन के अंदर लिमिटेशन आ जाएगी, एसिमेट्री ऑफ ग्रोइन क्रीज, तो ग्रोइन क्रीज अपन को देखने को मिलेगी एसिमेट्री। उसके बाद ऑडिबल क्लिक अपन को सुनने को मिलेगा हिप जॉइंट के अंदर। उसके बाद है फिजिकल फाइंडिंग इन अ यंगर चाइल्ड में बी लिटिल एंड डायग्नोसिस में ओनली बी पॉसिबल बाय स्पेशल टेस्ट डिजाइंड टू एलिसेट इन स्टेबिलिटी। तो यंगर चिल्ड्रंस में फिजिकल फाइंडिंग लिटिल हो सकती है और डायग्नोसिस ओनली इन स्टेबिलिटी को दूर करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्पेशल टेस्ट से ही पॉसिबल हो सकता है, मतलब इसको डायग्नोसिस करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिससे अपन CDH का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके दो नाम है, एक तो है बार्लोस टेस्ट और एक है ओल्टोलानी टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के बारे में अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़े बड़े ये। उसके बाद यहाँ पर आता है इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इन अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर सिंस द एपिफाइसिस ऑफ फीमोरल हेड इज नॉट ऑसिफाइड इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोस अ डिसलोकेटेड हिप ऑन प्लेन एक्सरे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है
कि जो 1 ईयर से कम एज के जो बच्चे होते हैं, 1 ईयर से एज के जो चिल्ड्रंस में फ्यूमरल हेड का ओसिफिकेशन एपिफाइसिस ओसिफिकेशन नहीं हो सकता, इसलिए प्लेन एक्सरे पर एक डिसलोकेटेड हिप का डायग्नोसिस करना डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब अपन इसके लिए एक्सरे नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन इसका रेडियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर अपन कर सकते हैं वॉन रोसन व्यू में हेल्प रही। तो अपन एक व्यू होता है जिसको अपन टेस्ट कर सकते हैं। अभी व्यू कौन सा व्यू होता है, तो इस व्यू के अंदर क्या होता है ना, इन दिस व्यू बोथ हिप आर अबडक्टेड, जो दोनों हिप होते हैं ना वो अबडक्टेड रहते हैं, इंटरनली रोटेटेड रहते हैं एंड एक्सटेंडेड रहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है, लाइन इज ड्रॉ अलॉन्ग फ्यूमरल शाफ्ट विच इंटरसेक्ट एसिटाबुलम, इस तरह से एक लाइन खींची जाती है, उसके बाद इसको चेक किया जाता है, वो होता है वॉन रोसन व्यू। ठीक है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड एग्जामिन इन यूज़फुल इन अर्ली डायग्नोसिस एट बर्थ, अर्ली डायग्नोसिस के लिए अपन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं इसके एग्जामिनेशन के लिए, और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन एन ओल्डर चिल्ड्रन द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट एक्सरे फाइंडिंग, यहाँ पे कुछ ओल्डर चिल्ड्रंस के अंदर कुछ एक्सरे फाइंडिंग्स अपन को देखने को मिलती है, वो कौन कौन सी, डिले अपेरेंस ऑफ द ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर का ओसिफिकेशन सेंटर होता है उसका डिले अपेरेंस होगा। उसके बाद रिटार्डेड डेवलपमेंट ऑफ द ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, जो हेड के जो फीमर का ओसिफिकेशन जो सेंटर है उसका रिटार्डेड डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्लोपिंग एसिटाबुलम आपको देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा झुका हुआ एसिटाबुलम आपको देखने को मिलेगा एक्सरे के अंदर। उसके बाद लेटरल एंड अपवर्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ द ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द फ्यूमरल हेड, जो फ्यूमरल हेड है उसका जो ओसिफिकेशन सेंटर है वो थोड़ा डिसप्लेस्ड हो जाएगा, मतलब उसका डिसप्लेसमेंट हो जाएगा, किस तरह से होगा, या तो लेटरल साइड चला जाएगा या वो अपवर्ड साइड चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर अब ब्रेक इन सेंटोस लाइन, सेंटोस लाइन होती है जो कि अपन को इस तरह से देखने को मिलती है जब अपन एक्सरे करवाते हैं, ये तो नॉर्मल होती है, लेकिन जो CDS के केस में जब अपन एक्सरे करवाएंगे तो ये जो लाइन है वो अपन को ब्रेक देखने को मिलेगी, मतलब ये थोड़ी टूटी हुई लगेगी, ये इस तरह से नहीं होगी, थोड़ी यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी। जो इसके बाद इसके आते हैं ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट है वो अपन इसके के नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ CDS का ट्रीटमेंट होगा। पढ़ा कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के बारे में, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन एंड इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट अपन इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।